नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शिवलिंग के ऊपर हमेशा बेलपत्र उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों हमेशा तीन पत्ती का ही बेलपत्र शिव को चढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, संसार को बचाने के लिए शिव जी ने विष पिया था, तो उसी विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र का शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। अब जानिए शिव जी को तीन पत्ती वाला ही बेलपत्र क्यों चढ़ता है। ये सभी लोग जानते हैं कि इस पेड़ को सदियों से पवित्र माना जाता रहा है और शिव को चढ़ाया जाने वाला कोई भी चढ़ावा बेलपत्र के बिना अधूरा होता है। बेलपत्र में तीन पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। तीन पत्तियों को कहीं सृजन, पालन और विनाश के देव कहा जाता है, तो कहीं तीन गुण सत्व, रज और तम बताया गया, तो कहीं कहीं महादेव की तीन आंखों या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। और एक मान्यता है कि जो भी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को चढ़ाता है, अगर उसे चढ़ाकर और अब उठाकर शर्ट या जो भी पहनता है, टी शर्ट, उसकी जो ऊपर वाली पॉकेट होती है जेब, उसमें रखकर अगर कहीं भी जाए तो उससे उसके स्वास्थ्य, सुख, मानसिक स्थिति और उसे हर एक क्षेत्र में लाभदायक और उसे सफलता ही मिलती है। धन्यवाद।